नमस्कार, आइए देखें और सीखें सही मसीह सही काम की पहचान। आप लोगों को इस एपिसोड के अंदर हम लोग दिखाने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में मशीन घूमती है लेकिन जो सुई की राड है वो नहीं हिलती है। तो मशीन के अंदर क्या प्रॉब्लम है आप लोग को अभी इस एपिसोड में आपके घर के अंदर आप खुद अपने ही हाथों से सही करने का कौन सा तरीका है, इजी तरीका हम लोग इस चैनल के द्वारा आपको दिखाते हैं। देखिए इस मशीन के अंदर मशीन घूम रहा है लेकिन जो ये नीडल राइड है वो नहीं घूम रही है। अभी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। हम लोग सबसे पहले इस मशीन को इस स्क्रू ओपन करना पड़ता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है अभी देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इस स्क्रू को थोड़ा सा ओपन कीजिए। इसके बाद में हल्का सा इसको जो लिंक है ये लिंक को ऊपर कीजिए और ऐसा से ऊपर लेके इसको बाहर निकालिए। देखिए अभी इस मशीन के अंदर सब कुछ सही है लेकिन ये जो लिंक है इसके अंदर टूटा हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, धीरे से निकाल के खुद दिखाता हूँ कि ये लिंक टूट गया है। अभी ये लिंक को कैसे बदलिए करने का आसान तरीका हम लोग आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग मशीन को एक छोटे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इस जगह में एक होल है, इसके होल के अंदर ये जो क्लैंप लगा हुआ है इसका स्क्रू इधर से ओपन करने का। सबसे पहले इसका जो स्विंग का ये है लिंक, स्विंग का क्लैंप जो है इसको ओपन कीजिए, बाजू पर रखिए और ये जो स्क्रू एक पड़ा है इसको भी ओपन कीजिए। आप कभी भी मशीन को ये छोटा जैसा ये स्क्रू है इसको नहीं रहेगा तो भी खरीद के ले क्या क्या लगाना। ये मशीन का स्क्रू ये जो स्वयं रहती है इसको ऊपर जाने का एडजस्टमेंट के लिए रखा, इधर ब्रेक डाल के पकड़ता है कि कभी कभी स्वयं ऊपर चढ़ जाती है। अगर ये स्क्रू नहीं रहेगा तो मशीन को प्रॉब्लम आ जाती है। दुकान वाले कभी भी तुम लोग रिपेयर करने के वक्त में कोई निकाल के फेंक देता है, थोड़ा ध्यान कीजिए। और इसके बाद में थोड़ा सा इसको इस होल के माध्यम से इसका जो लिंक है ये लिंक का क्लैंप है इसका स्क्रू को ओपन करना। अभी देखिए ये राड आसानी से ऊपर आ रहा है, कभी कभी नहीं आएगा तो थोड़ा कटिंग प्लेयर के माध्यम से थोड़ा हिला के इसको वापस निकालने का। अभी देखिए ये लिंक पूरा टूटा पड़ा है। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ कि लिंक, अब बाद में थोड़ा इसके अंदर के जो पीस है थोड़ा ध्यान लगा के पीस को भी वापस निकाल के फेंक देने का। ये और इधर जोड़ा गंदा ये है, कपड़ा ले लेके थोड़ा आप लोग साफ कीजिए। अभी मैं दिखाता हूँ कि नया लिंक कैसे लेके आने का लगाने का। देखिए अभी आपको मैं जो नया लिंक आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको क्या हिसाब से फिटिंग करने का आप लोग खुद देखिए। इसके अंदर एक स्क्रू एडजस्टमेंट का पड़ा हुआ है, पहले इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए और इसके अंदर जो लट्ठू लगाया हुआ है ये लट्ठू को डाल के थोड़ा फिटिंग कीजिए। देखिए ये जो स्क्रू है ये अपने ओर को आने का, राइट साइड को आने का, जैसा मशीन रहता है उसको राइट साइड को आने का। ये जो स्क्रू लगाया हुआ है ये राइट साइड को आने का मैं बार बार बताता हूँ। देखिए आप लोग फिट हो गया। अभी वापस ये जो है इसका जो क्लैंप है देखिए यही स्क्रू से लिटिल राइट फिट होता है। हम लोग इस होल के माध्यम से आप लोग को दिखाता हूँ, इस होल के माध्यम से इसको ओपन करने का, फिट करने का। आपके घर के पास कभी भी एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर रखिए, काम पे आ जाएगा।
देखिए ये स्क्रू इधर है, राइट साइड आए तक मैं लगा रहा हूँ, फिर वापस इस क्लैंप को डाल रहा हूँ। थोड़ा सा ये नीडल रैक को भी साफ कर लीजिए अपने कपड़े से, फिर वापस इसको डालिए। वापस इसको ये जो छोटा स्क्रू लगाया हुआ है इसको भी डाल दीजिए। कोई भी काम हम लोग अपना चैनल के अंदर आप लोग को दिखाते हैं, पूरा चैनल के अंदर पूरा एपिसोड खत्म होए तक देखिए। हमारा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए। देखिए अभी मैं वो नीडल राइट का स्क्रू डाल दिया, आपस में सुई लगा रहा हूँ। सुई डालने के टाइम में थोड़ा फ्लैट साइड चाक की ओर आए जैसा जैसा चक्कर के सुई को अच्छा सा देख के लगाइए, आपको खुद पता चलेगा कि पूरा सुई ऊपर तक लगाइए। अभी मैं बताता हूँ कि नीडल राइट तो बैठ गया, अभी ये सुई किधर तक आना पड़ता है। इधर देखिए अभी जो सेटल के पास ये सुई थोड़ा सा बाहर है जैसा रखने का, इधर सेटल के से थोड़ा सा बाहर आए तक, थोड़ा अंगली रख के उधर सेटल के पास थोड़ा अंगली को लगे जैसा सुई इधर से सेट करने का। ये देख दिखाता हूँ मैं अभी, ये देख के ये लिंक को भी डाउन कीजिए, वापस हल्का सा इसको जो होल के अंदर डाल के आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा फिट कीजिए। देखिए आप इसको फिट होने के बाद में फिर वापस घुमा के देखिए ये मशीन का सुई बराबर सेटल के पास तक आया क्या नहीं। देखिए बार बार देखिए सही हो गया, आपको खुद अच्छा सा दिखाता हूँ। थोड़ा सा बाहर, ज़्यादा बाहर मत करने का, जो सेटल से थोड़ा सा बाहर आएगा तो समझो आपका टाइमिंग बराबर हो गया और लिंक भी बढ़ गया। जब भी काम हो जाता है इसके अंदर थोड़ा सा आयल डालिए। अभी आयल डालने के बाद अभी समझो इसके अंदर ज़्यादा सा शेक रहेगा तो इस स्क्रू से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कभी टाइट हो जाता है कभी लूज हो जाता है, थोड़ा सा लूज रखने का ज़्यादा नहीं, और घुमा के चेक करने का कि फ्री मशीन फ्री आ रहा है क्या नहीं। तो आपका लिंक तो घर के पास ही आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं खुद अपना काम अपने ही हाथों से घर के अंदर आजा कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड के अंदर और भी अच्छे से अच्छे चैनल हम लोग आपको एडिटिंग करके दिखाते हैं। आपका मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को हम दिखाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग दिखाते हैं। देखिए अभी ये तो सही हो गया, मैं और एक दिखाता हूँ। कोई कोई मशीन को ये जो है धाप है, धाप का भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, धाप लेकिन उठता है घोड़ा नहीं उठता है, घोड़ा जिधर के उधर वैसे ही रह जाता है, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बुरा मत समझिए, जैसे जैसे एपिसोड के अंदर में छोटे जैसे माइनर प्रॉब्लम है खुद आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए धाप इधर ही एक ही जगह में है, अभी तो धाप नीचे ही बैठ गया, अभी तो धाप नीचे ही बढ़ गया, लेकिन घोड़े का एक्शन हो रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। घोड़े को ऊपर कीजिए और जितना मांगता है उतना सा हाइट कीजिए उसको, और इसको लगा के चेक कीजिए कि नीडल राइट घोड़े को टच कर रहा है। अगर जो आप लोग को घोड़ा ऊपर नहीं रहेगा तो जितना ऊपर मांग के ये घोड़े को इधर धक्का लगा के भी थोड़ा पीछे खींच सकते हैं, जितना मांगता है उतना ऊपर रख के, इतना ज़्यादा नहीं है। कोई कोई मशीन को ये जो दाप रहता है ज़्यादा नीचे रहता है, इसको अभी ऊपर करेंगे तो नीडल राइट टच होता रहता है,
हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हमारे को थोड़ा सा ऊपर लेके राट को, कोई भी राट रख के इसको अंदर, कोई भी राट टच कर रख के सुई निकाल के और दाब निकाल के इसको थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं। और अभी तो देखिए, अभी इसका जो फिटिंग का इधर जो ये स्क्रू लगाया हुआ है, इसको थोड़ा सा फिट कीजिए। देखिए अभी तो ये धाप सही काम कर रहा है। आप लोग कोई परेशान मत होने का, कोई सर्विसिंग सेंटर को कोई मैकेनिक के पास खुद नहीं लेके जाने का। अभी बाद में वापस घोड़े को थोड़ा सा चेक कीजिए, थोड़ा सुई तक सही कर दीजिए सेंटर करने का, ये सब घुमा के। अभी तो सुई सही जगह में पड़ रहा है, फिर वापस एक कैप को लगा दीजिए। मैं और एक प्रॉब्लम भी इसमें एपिसोड के अंदर मैं दिखाता हूँ, आपका कीमती वक्त मैं वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। देखिए ये मशीन का ये जो टेंशन बैंड है, इसके अंदर तो ये स्क्रू फिटिंग नहीं हो रहा है। आप लोग इससे कोई परेशानी उठाने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये दोनों प्लेट को निकाल के पहले चेक कीजिए, इसके अंदर कोई खाचा पड़ा हुआ है, कोई धागा है, इसको सबसे पहले साफ कीजिए। और इसको ज़मीन के ऊपर रख के थोड़ा नाई से थोड़ा इसको थोड़ा रफ कीजिए, कोई भी खाचा रहेगा तो ये सफाई हो जाएगा। आपका धागा एकदम आसान से और एकदम फिटिंग से निकल के आएगा। आप लोग कोई चीज़ नया खरीद के डालने का ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए अभी ये दोनों प्लेट साफ हो गया। फिर वापस इसके अंदर दो दोनों और थोड़ा सा स्क्रूड्राइवर लेके इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए, फिर थोड़ा सा कटिंग प्लेयर लेके इसको आगे से थोड़ा दबाइए, बस ज़्यादा नहीं। आपका मशीन अभी सही हो जाएगा, दिखाता हूँ। अभी तो ये प्लेट वापस देखिए, एक प्लेट ऐसा लगा दिया, अभी वापस फिर इसके अंदर दोनों प्लेट में बराबर से रख दिया। फिर इसका वापस इसका स्प्रिंग इसको मैं डाल रहा हूँ, और इसका जो नेट है अभी देखिए अभी एकदम फिट फटाफट हो गया। आपका धागा भी आसानी से आएगा। मैं अपना एपिसोड के अंदर आपका कीमती वक्त नहीं बेफजूल करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जितना भी छोटा छोटा प्रॉब्लम है एपिसोड के अंदर दिखा देता हूँ। देखिए अभी लिंक भी सही हो गया, धाप भी सही हो गया, ये जो धागे का टेंशन है वो भी सही हो गया। मैं अभी अगले एपिसोड के अंदर और अच्छे से प्रोग्राम आपके लिए एडिटिंग करना चाहता हूँ। हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।